सिरसा लोकसभा सीट। बीजेपी के कई सर्वे आए, उनमें रोहतक और सिरसा को ही बीजेपी के लिए काफी कमजोर बताया गया कि यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर है। हालांकि डॉक्टर अशोक तंवर की एंट्री बीजेपी में होती है और उसके बाद थोड़ा बहुत कयास लगाया जाता है कि शायद डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सुनीता दुग्गल जो मौजूदा सांसद है वो इस बात से नाराज भी हो गई थी, केंद्रीय नेतृत्व से मिली भी थी, लेकिन अशोक तंवर की फिर भी एंट्री बीजेपी में होगी। इसके अलावा जो एक नाम और है बलकौर सिंह, उनका भी नाम चल रहा है। ये तीन नाम अभी सिरसा से हैं। हालांकि सिरसा से आपको सिरसा के बजाय अशोक तंवर का नाम अंबाला से भी चल रहा है, अंबाला की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन सिरसा लोकसभा सीट पर अशोक तंवर सांसद रह चुके हैं जब उस वक्त वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं। मेन जो रेस है वो शायद सुनीता दुग्गल और अशोक तंवर के बीच में ही है। कमल जी से बात करते हैं, कमल जी सिरसा पर आपका क्या विचार है, क्योंकि आप भी शायद उसकी लोकसभा सीट से आते हैं। देखिए, सिरसा लोकसभा सीट पर जो प्रबल दावेदार हैं वो अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल हैं, जो मौजूदा सांसद हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही चेहरे को दो सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा है। अशोक तंवर को सिरसा भी जोड़ के देखा जा रहा है और अंबाला लोकसभा सीट भी देखा जा रहा है, क्योंकि तो दोनों सीटें रिजर्व हैं। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अशोक तंवर की एंट्री हुई थी, तो मैं अभी आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो फायदे लाभ या मंशा जो रहती है उसी को लेकर अशोक तंवर ने बीजेपी ज्वाइन की है। और निश्चित तौर पर अगर अशोक तंवर सिरसा से फाइट करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वो लोकसभा के वहां से सदस्य रह चुके हैं, तो वहां उसका अपना ग्राउंड है, तो निश्चित तौर पर वहां भी उसकी जो दावेदारी है बड़ी प्रबल है। और हालांकि जो मौजूदा सांसद है सुनीता दुग्गल, उसे कहीं ना कहीं अर्जर्व सीट है, रतिया है या कोई और आसपास की सीटें हैं, वहां उसे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव जो लोकसभा के हैं उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव है, तो सभी चेहरों को जो लोकसभा के चेहरे हैं उन्हें विधानसभा में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे बीजेपी कर सकती है। अगर कहीं नाराजगी भी इनको नजर आएगी तो वहां उनको नाराजगी को टिकट देकर बुनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर एक अशोक तंवर का जो चेहरा सामने आ रहा है वो दो सीटों पर प्रबल अपनी दावेदारी दर्ज करवा रहे हैं। अभी ये बीजेपी ने तय करना है कि अशोक तंवर को अगर लड़वाते हैं तो वो अंबाला सीट से लड़वाते हैं या फिर सिरसा सीट के ऊपर उन्हें उनकी उम्मीदवारी दर्ज करवाएंगे। ये बीजेपी की ओर से देखना होगा। हालांकि दावेदारी दोनों जगहों से बराबर की उनकी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपका भी यही मानना है कि दोनों ही दावेदार मजबूत हैं। अब बीजेपी पहले वाले सांसद को रिपीट करती है या मौजूदा सांसद को रिपीट करती है, ये देखने वाली बात होगी।